तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो बांग्लादेश T20 लीग है उसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का पांचवा मैच जो कि खेला जाएगा फॉर्चून बारिशल वर्सेज मिनिस्ट्री ग्रुप ढाका के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, इजीली भाई आप काफ़ी अच्छी विनिंग कर लोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर भाई आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर अगर बात करें दोनों टीम्स की, तो भाई फॉर्चून बारिशल अपना लास्ट मैच विन करके आ रही है लेकिन फिर भी भाई इनकी बैटिंग देखी जाए तो वो थोड़ी सी वीक लग रही है। वही मिनिस्टर ग्रुप ढाका की बैटिंग भाई काफी अच्छी है, काफी मतलब बेहतरीन बैट्समैन और भाई स्कोर भी काफी अच्छा खासा बना रहे हैं, बट फिर भी भाई ये मैच हार के आ रहे हैं, लगातार दो मैच ये हार चुके हैं। वही अगर बात करें कुछ की प्लेयर्स की, तो यहाँ पर अगर बात करें फॉर्चून बारिशल की तो यहाँ पर आप देखो शकीब अल हसन आपको दिखेंगे, इसके अलावा भाई डैरन ब्राउ दिखेंगे और यहाँ से भाई नीचे अगर आप आओगे तो अल्जारी जोसेफ दिखेंगे, जैक लिंटोट दिखेंगे और यहाँ से भाई और नूरुल हसन दिखेंगे। क्रिस गेल भाई वापस आ गए हैं, इस मैच में जुड़ गए हैं टीम के साथ, तो इस मैच में शायद आपको खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर शफीकुल इस्लाम को मौका दिया जा सकता है, ठीक है ऐसा कहा जा रहा है बट कन्फर्म मैं नहीं बोल सकता। इसके अलावा नाजमुल हुसैन शांटो भी बेहतरीन प्लेयर, शाकत अली ने भी लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो यहां से काफी सारे प्लेयर हैं। अभी भाई जो पिच के बारे में आपको बताने वाला हूं ना वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, इजीली अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे ना तो आज ग्रैंड लीग अपनी ही होगी। अपनी होने का मतलब ये है भाई कि ग्रैंड लीग में टॉप 10 में हमारा कोई ना कोई एक भाई जरूर मिलेगा, अगर कोई मतलब ध्यान से वीडियो देख के ग्रैंड लीग खेलेगा तो। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ग्रैंड लीग अपनी होगी तो सारी ग्रैंड लीग अपनी हो जाएगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। वही अगर बात करें मिनिस्ट्री ग्रुप ढाका की, तो यहां पर देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टार प्लेयर काफी है, तमीम इकबाल, मोहम्मद शहजाद और इसके अलावा मोहम्मद नियाम शेख, और यहां से बात करें तो मोहम्मदुल्ला, आंद्रे रसल आपको दिखेगा, ऐसे इसरू उड़ाना दिखेगा, इसके अलावा भाई यहां पर और आप अगर बात करें तो मशरफ मुर्तजा दिखेगा, कैस अहमद अभी जुड़ा नहीं है टीम के साथ, अगर जुड़ेगा तो बता दूंगा। नजीबुल्ला जादरान भाई अब शायद जुड़ जाएगा क्योंकि इनका नहीं भाई अभी भी नहीं आएगा क्योंकि इनका एक वनडे मैच और बचा हुआ है अभी नीदरलैंड के साथ, तो ये भाई अभी जुड़े नहीं है टीम के साथ, तो भाई जुड़ेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब भाई बात करते हैं सबसे पहले पिच की, तो वेन्यू भाई सेम रहने वाला है, यहाँ पर आपको क्लियर सी बात है शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका का ही वेन्यू रहने वाला है। अब यहाँ पर भाई सबसे बड़ी बात भाई ये रहने वाली है, देखो यहाँ पर जो मैच है इसकी टाइमिंग पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहाँ पर देखो दिन में मैच है 12 बजे और 12 बजे मैच है, तो अब आप देखो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर। ये यार क्रिकबज वालों ने भी अब एडवर्टीजमेंट के पूरे पैसे खा रखे हैं। तो यहाँ से भाई आप देखो दिन वाले मैचेज में, यहाँ पर भाई जो दिन में मैच होता है उसमें आप स्कोर देखो, ठीक है। यहाँ पर भाई पहला मैच हुआ था दिन में ही हुआ था, सेम ग्राउंड था सेम पिच थी, तो यहाँ पर आप देखो 125 रन बनाए सामने वाली टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर। दूसरी टीम भी भाई 126 रन बना तो गई बट 6 विकेट के नुकसान पर और 19वें ओवर में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो। वही अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरे मैच में जो शाम को हुआ था वहाँ पर भाई ड्यू का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर देखो अब आप स्कोर में कितना बड़ा उछाल देखने को मिला। यहाँ पर आप देखो और यहाँ पर देखो आपको दिन रात का फर्क दिखेगा। यहां पर भाई सामने वाली टीम ने 183 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और सामने उसके मतलब चेज करने आई टीम 186 रन बना गई बिल्कुल इजीली, मतलब बातों बातों में बना गई भाई 19 ओवर में 186 रन का टारगेट चेज हो गया। यहां पर देखो तो एमजीडी की टीम यहाँ पर हार गई थी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पर काफ़ी जो मिनिस्टर ग्रुप ढाका की टीम है इसके ऊपर काफ़ी दबाव क्योंकि लगातार दो मैच हार चुकी है, लास्ट वाला मैच भी हार के आ रही है। अब यहाँ पर उससे अगले दिन भी आप स्कोर देखोगे तो भाई दिन वाले मैच में फिर से देखो पहली वाली टीम 96 पर ऑल आउट हो गई, दूसरी टीम ने भाई 97 रन बनाए बट भाई 19वें ओवर में जाके और 8 विकेट के नुकसान के बाद बनाए भाई यहाँ पर, तो आप देख रहे हो मतलब कितना कुछ यहाँ पर मतलब कितना स्ट्रगल है बैट्समैन के लिए। साथ ही दिन वाले मैच में स्पिनर्स को जो मतलब चेंज ऑफ पेस करते हैं बॉलिंग में, जैसे डीजे ब्रावो हो गया और भी जैसे और भी काफ़ी ऐसे मतलब मीडियम पेस बॉलर है जो मतलब अपनी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, तो भाई उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इन मतलब ऐसी पिचेस पर, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और शाम वाले मैच में आप फिर से देखोगे तो फिर से आपको मतलब हाई स्कोर देखने को मिलेगा, 161 का टारगेट मिला, हालांकि भाई यहाँ पर सेकेंड वाली टीम चेंज नहीं कर पाई थी, ठीक है। अब बात करेंगे इस मैच की, तो मैच खेला जाएगा
भाई दिन में, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी टर्न वगैरह आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, अगर नीचे की साइड अगर आप आओगे फॉर्चून बारसिल की टीम में। चलो पहले एक बार इनकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उससे थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा भाई हमें थोड़ा सा। तो अगर दो मतलब लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखे दोनों टीम की, तो यहाँ पर आप देखो तो फॉर्चून बारिशल की पहले बैटिंग की देखते हैं। तो भाई शांटो ने ओपनिंग की थी सियाकत अली के साथ, शांटो की परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन भाई सियाकत अली ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और सिर्फ 9% सिलेक्शन था बंदे का, और ये हमारी टीम में था। अब आप देख सकते हो इस टीम का हाइएस्ट रन स्कोरर अपनी टीम में था सिर्फ 9% के सिलेक्शन के साथ, ईजिली भाई बिल्कुल हमने क्लीन स्वीप किया था। शाकिब की बात करें रन सिर्फ 13 बनाए, हमारे कैप्टन थे भाई। वहीं अगर बात करें तौहीद हिडोय की, तो आप देख सकते हो 16 रन बनाए, इरफान सुकूर ने 16 रन बनाए, विकेट कीपर एक ही अवेलेबल था, तो ये सभी की टीम में था। डीजे ब्राउन ने भाई यहाँ पर 12 रन बनाए, इसके अलावा भाई सलमान हुसैन 0 रन, जीआर की बात करें तो भाई 19 रन बनाए। अब इनकी बॉलिंग एक बार देख लेते हैं। बॉलिंग में भाई देखो जो हमारी डिफरेंशियल पिक था वो था भाई जेक लिंटोट, एक विकेट निकाल के लेके गया। अलजारी जोसेफ भी हमारी टीम में था भाई, 3 विकेट निकाले। नईम ने यहाँ पर भाई 2 विकेट निकाले। शाकिब हमारा कैप्टन था ही, शाकिब भी हमारी टीम में था, मतलब शाकिब तो कैप्टन ही था यार। डीजे ब्राउ की बात करें तो डीजे ब्राउ हमारी टीम में नहीं था भाई, यहाँ पर 4 ओवर में इसने 40 रन दिए और भाई एक विकेट भी निकाला। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ग्रुप ढाका है उसकी टीम की, तो उनकी भी बात कर लेते हैं भाई। जो उनका लास्ट मैच खेला गया उसमें भाई देख लेते हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी थी। पहले भाई बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें बॉलिंग की, तो आप देखोगे भाई रूबेल ओसेन 4 ओवर 26 रन 3 विकेट, बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसके अलावा बात करें तो भाई अराफत सनी आपको दिखेंगे, इन्होंने भाई एक विकेट निकाला। इसुरू उडाना आपको दिखेंगे, 4 ओवर में एक विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा भाई अबादो तो हुसैन की बात करें तो 4 ओवर डाले बट विकेट लेस रहे। रसल की बात करें तो सिर्फ एक ही ओवर डाला और भाई बहुत महंगे साबित हुए। इसके अलावा भाई बात करें तो शुआगाता की, तो 2 ओवर में एक विकेट इन्होंने निकाला 15 रन देकर, और 1 ओवर में भाई एक विकेट निकाला मोहम्मद दुल्ला ने। तो मोहम्मद की एक बात बताऊं आपको, अगर भाई दिन में ये मैच हो रहा है ना, तो आप ये मान लो मोहम्मदुल्लाह यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बॉलिंग करता नजर आएगा, शाम वाले मैच में कम बॉलिंग करेगा, दिन वाले मैच में भाई काफी ज्यादा बॉलिंग करेगा। बैटिंग की बात करें तो भाई असित तमीम ने 50 लगाई, इसके अलावा मोहम्मद शहजाद इस मैच में जल्दी आउट हो गए। जरूल इस्लाम की बात करें 10 रन बनाए, नियाम की बात करें तो 4 रन बनाए, मोहम्मदुल्लाह ने 5 रन बनाए, रसल 12 रन, इसके अलावा शुआगाता की बात करें तो भाई इन्होंने भाई 13 रन बनाए, और यहाँ पर उड़ाना ने 16 रन बनाए, राफत सनी 0 रन, इबादत हुसैन 1 रन, रुबेल ने यहाँ पर 6 रन बनाए। अब यहाँ पर आपने दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस भी देख ली है और साथ ही साथ आपको पिच का नेचर भी पता लग गया है। अब चलिए भाई चलते हैं सीधा ड्रीम मतलब यहाँ पर, अब चलिए भाई सीधा मैं आपको टीम का प्रीव्यू दे देता हूँ। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं टीम की सिलेक्शन की, तो यहाँ से देखो आपके लिए मैं टीम का प्रीव्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भाई आपके लिए मोहम्मद शहजाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इरफान सुकूर की बात करें तो यहाँ पर इनके भाई बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहने वाले। क्रिस गेल भाई मेरे हिसाब से आ चुका है वहाँ पर, मतलब टीम के साथ जुड़ गया, तो शायद इस मैच में आपको खेलता हुआ दिखेगा, तो अगर खेलेगा तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा भाई मोहम्मदुल्लाह को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए देखूंगा। अगर भाई पहले बॉलिंग आती इनकी तो मैं ट्राई करूंगा, बट अगर पहले बैटिंग आती इनकी तो भाई मैं मोहम्मदुल्लाह को अपनी टीम में नहीं रखने वाला यहां से भाई। इसके अलावा नजीबुल्लाह जादरा ने यहां पर आपको नहीं दिखेंगे और ना ही भाई कोई और दिख रहा, तो अब आप क्या करोगे, आप भाई किसको लोगे अपनी टीम में यहां से भाई। आप मतलब मोहम्मदुल्लाह को चलो मैं अभी के लिए रख लेता हूं, बाकी देखते टॉस के टाइम पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन बात करें तो यहां से भाई सकीब अल हसन आपकी टीम में 100% रहेगा। इसके अलावा भाई यहां पर बात करें तो सियाकत अली हमारी टीम में रहेगा और यहां से आंद्रे रसल हमारी टीम में रहेगा, और इसके अलावा भाई एस होम हमारी टीम में रहेगा, यहाँ से स्वागता होम। ये भाई चारों के चारों ऑलराउंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहो तो यहाँ से डीजे ब्राउ और इसुरू उडाना को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ से भाई अलजारी जोसेफ 100% हमारी टीम में रहेगा, उबेड मको शायद आपको ना खेलता नजर आए, नूरुल हसन हमारी टीम में 100% रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जेक लिंटोट को आप ट्राई कर सकते हो या फिर आर हुसैन को ट्राई कर सकते हो। नीचे अगर आप चाहोगे तो भाई ई हुसैन को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। अब अगर आप चाहो तो आप एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके, जैसे आप यहाँ से सियाकत अली को ड्रॉप करके यहाँ से एक एक्स्ट्रा बॉलर आर हुसैन को अपने टीम में ले सकते हो, ये भाई मेरे हिसाब से आपकी बेस्ट टीम बन जाएगी। जेक लिंटोट को भी मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, तो अभी के लिए भाई आप इस टीम को सेव कर लो। और यहाँ से सीवीसी की बात करें तो भाई कैप्टन मैं शाकिब अल हसन को बना रहा हूँ, वॉइस कैप्टन की बात करें तो वॉइस कैप्टन भाई मेरा यहाँ से कहाँ पे गए भाई,
नूरुल हुसैन रहने वाला। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ से तमीम इकबाल के ऊपर भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बट दिन वाले मैच भाई प्योर बैट्समैन को आप सीवीसी ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से रसल को भी अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से बॉलर्स को अगर आप जीएल मिनी जीएल में सीवीसी बनाओगे तो ईजिली भाई आपकी जीएल मिनी जीएल लग सकती है। तो अभी के लिए चलो मैं ये टीम सेव कर रहा हूँ, बाकी फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, मेरी सभी प्लेटफॉर्म के लिए टीम यही रहने वाली है। ड्रीम इलेवन की टीम का प्रीव्यू मैं नहीं दे रहा हूँ, रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि भाई ड्रीम इलेवन वाले अभी स्ट्राइक मार रहे हैं, लगातार चैनल उड़ रहे हैं टेलीग्राम वालों के। तो भाई मैं नहीं चाहता कि हमारा भी चैनल ऐसे ही उड़ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है भाई यहाँ तक आने में, और इसीलिए भाई मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल हमेशा हमारे साथ रहे और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। तो ये टीम आप सेव कर लो, जहाँ पर भी आपको खेलना है आप सेम टीम के साथ जा सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर, उस टाइम भाई पूरी डिटेल बता दूंगा आपको मैच में कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, साथ ही क्या हमारी टीम रहेगी, एक एक चीज जो मतलब वहां पर डिस्कशन कर लेंगे। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।